आखिरकार मैंने उन डायनासोरों से पहले अपने लिए निशान GTR कार को खरीद ही लिया। अरे सुबह सुबह ये डायनासोर झुंड बना के कहाँ जा रहे हैं? पूछता हूँ। अबे डायनासोरो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अबे टकले मुर्गी चोर, चला जा वरना हम तेरा ये उड़न खटोला छीन लेंगे। हे हे। अबे ऐसे कैसे छीन लोगे? तुम्हारे अब्बा का राज चल रहा है क्या? अब्बा का तो पता नहीं, मगर हमारा राज जरूर चल रहा है। अबे जाओ जाओ, दिन दहाड़े सपने मत देखा करो। जब तक इस सिटी में मैं हूँ तो मेरे सिवा किसी और का राज तो क्या एक चप्पल नहीं चल सकती। टकले चला जा वरना तेरे को खा के डकार भी नहीं लेंगे। हे हे। चलो भाइयों जल्दी से चलो, आज निशान GTR को इस टकले से पहले खरीद लेंगे। हे हे। अबे क्या बोला, निशान GTR? हाँ टकले, तुझे नहीं पता क्या? हाँ हाँ मुझे सब पता है। क्या पता है टकले, हमें भी तो बता। यही कि तुम सब निशान GTR को लेने जा रहे हो। अबे अबे तुझे किसने बता दिया कि हम सब निशान GTR को लेने जा रहे हैं? अबे तुम सब ने मुझे चूतिया समझ रखा है क्या? मगर मैं चूतिया नहीं, महाचूतिया हूँ। ओबे ओबे ये क्या बोल दिया मैंने? हे हे टकले, तू एकदम सही बोला, तू चूतिया नहीं बल्कि महाचूतिया है। ओबे ओबे ये क्या, यहाँ पर तो डायनासोरों का मेला लगा है। मगर कोई ना, तुम सब देखते जाओ, तुम सबसे पहले मैं निशान GTR को खरीद लूंगा। हे भाइयों, हमें इस टकले से पहले निशान GTR को खरीदना है क्योंकि हमें अपना रोला बनाना है, रोला। अबे इस कार शोरूम में फ्री में कार मिल रही है क्या, जो यहाँ पूरी सिटी के डायनासोर आ गए हैं? अबे टकले, इस शोरूम पर सिर्फ एक निशान GTR आने वाली है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है, और देखते हैं कि कौन उस कार को लेता है। अबे अबे ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ एक कार आने वाली है? हाँ टकले, और वो कभी भी आ सकती है। अबे डायनासोरो तुम कोई और सी कार ले लो भाई, देखो यहाँ पर कितनी सारी कारें हैं, फरारी है, मस्टैंग है, लैम्बोर्गिनी भी है, और भी बहुत सारी हैं, तो तुम इन सब में से ले लो यार, और निशान GTR को मेरे लिए छोड़ दो। अबे जा बे, हमें तो निशान GTR को ही लेना है और अपना रोला बनाना है पिंकी के सामने, और उसने बोला है जो निशान GTR को लेके आएगा मैं उससे सेटिंग करूंगी, तो इसलिए हमें किसी भी हालत में उस कार को लेना ही पड़ेगा ना, आखिर सेटिंग का मामला है ना मेरी जान। अबे मोटू तू भी यहाँ, वो भी अपनी पूरी गैंग के साथ? जी मालिक, मैं भी पिंकी से सेटिंग करूंगा। अबे अबे क्या बोला तूने? हाँ मालिक, पिंकी ने ये नया ऑफर निकाला है। कैसा ऑफर? निशान GTR लाओ और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अबे तुम सब पर उस पिंकी ने कोई काला जादू कर दिया क्या? नहीं मालिक, इतने सालों बाद तो मौका मिला है उससे सेटिंग करने का, तो ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। हे हे। क्यों भाइयो? टकले हमें निशान GTR दे दे। Oh, no. अबे ज़ोंबियो तुम भी सटिया गए हो क्या, और तुम क्या करोगे उस निशान GTR का? हम भी पिंकी से सेटिंग करेंगे टकले। क्या? अबे वो तुम ज़ोंबियो से सेटिंग क्यों करेगी? अबे वो हमसे नहीं, हमारी कार देखकर हमसे सेटिंग करेगी। अबे भाई पूरी सिटी पर पिंकी का भूत सवार है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे GTR को लेने ही नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, इन सब का गेम बजा देता हूँ, ना रहेंगे ये और ना रहेगी कोई कंपटीशन। ये ले, ओई, ये भी ले, पूरी मैया मार डाला। और लोगे निशान GTR? हाँ हम तो अब भी लेंगे। अबे ये तो बड़े ढीठ हैं, मरने के बाद भी इन्हें वो कार चाहिए। टकले क्योंकि पिंकी ऐसा मौका बार बार नहीं देती। रुक, उस पिंकी से ही मिलके आना पड़ेगा अब तो। ओए पिंकी, तूने ये क्या बवासीर फैला रखी है? कौन सी बवासीर मालिक, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तूने कुछ नहीं किया, तो फिर ये पूरी सिटी के डायनासोर और यहाँ तक की ज़ोंबी भी तेरे लिए निशान GTR को खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे मालिक तुम्हें तो पता है मुझे कारों का कितना शौक है, और जो भी न्यू कार अपनी सिटी में आती है तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो कार मेरे पास हो, बस इसलिए मालिक। तो तू न्यू कार को पाने के लिए ये हरकतें करेगी? कौन सी हरकतें कर दी मैंने मालिक? कौन सी और पूछ रही है? हाँ मालिक बताओ ना, क्या कर दिया मैंने ऐसा? यूँ बोल, तूने क्या क्या नहीं किया है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तूने इन सब से बोला है कि जो तुझे निशान GTR लाके देगा तू उससे सेटिंग करेगी? हाँ मालिक, मैं उस कार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ज्यादा बड़ी नहीं हो गई तू? मालिक मैं तो पैदा ही बड़ी हुई थी, ही ही। और ज्यादा बोलने भी लगी है। अरे पिंकी जी क्या बात है, ये टकला तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरा मालिक है,
अच्छा पिंकी जी, और हाँ आज हम उस निशान GTR को तुम्हारे कदमों में लाके रख देंगे, हे हे, और फिर तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डिनर करना है। हाँ हाँ करूँगी, पहले कार तो लेके आओ। अबे कैसी हो गई है तू पिंकी, मेरे सामने ही ऐसी टट्टी जैसी बातें कर रही है। हाँ मालिक, अब मैं वो चूतिया पिंकी नहीं बल्कि पिंकी पापा की परी हो गई हूँ। अबे तूने तो हद ही पार कर दी, पापा की परी। मालिक ज्यादा ना बोलो, अगर मैंने एक इशारा करा ना तो ये सारे डायनासोर तुम पर हमला कर देंगे। अबे जाजा, मैं तेरे इन भाड़ों के टट्टी जैसे डायनासोरों से नहीं डरता। और सुन, अब तू देखती जा, तुझसे पहले मैं निशान GTR कार को खरीद लूंगा, तू बस देखती जा। यार बोलकर तो आ गया हूँ फड़ी फड़ी में, मगर अब मुझे कैसे भी करके उससे पहले निशान GTR कार को लेना ही होगा, वरना मेरा रोला नहीं बन पाएगा। एक काम करता हूँ, चमन को फोन करता हूँ, वो ही अब मेरी कुछ मदद कर सकता है। हेलो चमन भाई, कुछ भी कर, मगर मुझे कल तक निशान GTR कार चाहिए, उसके बदले चाहे कितने भी पैसे लग जाए। तू पैसों की चिंता मत करियो, मगर कल तक मुझे वो कार चाहिए, ठीक है? ठीक है चोमू भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर जल्दी से मेरे को 1,00,000 रुपए भेज दो, क्योंकि निशान GTR कार पूरे 1,00,000 रुपए की आ रही है। ठीक है चमन, भेजता हूँ। और ये गए पूरे 1,00,000 रुपए चमन के फोन में। और भाई लोग तुम भी कंफ्यूज हो गए होगे कि मैं उससे पहले मतलब निशान GTR कार को क्यों खरीदना चाह रहा हूँ। देखो मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, सुपरा है, मस्टैंग, फरारी, और यहाँ तक कि ये देखो अपनी थार कार भी है भाई। और मुझ पे देख रहे हो कितना कलेक्शन है, लाल, हरी, सफ़ेद, काली, इन चारों का कलेक्शन है। तो जो वो आ रही है GTR, मैं सोच रहा हूँ उसका भी मेरे पे चारों का कलेक्शन हो, इसलिए मुझे वो सबसे पहले कार चाहिए निशान GTR, ताकि मेरा रोला बना रहे सिटी में। देख रहे हो मेरे पे इतनी कार है यार, अपना रोला कैसे बनेगा अगर वो ही नहीं हुई तो। इसलिए मुझे यार उस निशान GTR को कैसे भी करके लेना ही होगा। चलो अब जाके सो जाता हूँ, उसने मुझे कल तक का बोल दिया है कि कल तक वो मेरे लिए निशान GTR कार लेके आ जाएगा। चलो सुबह तो हो चुकी है, बस अब चमन का फोन और आ जाए कि कार मिल गई है तो मजा ही आ जाएगा भाई। और एक सेकंड वेट, ये क्या, बोलते ही उसका फोन आ गया। हाँ चमन बोल, क्या खबर है? अरे चोमू भाई, खबर छोड़ो और अपने घर के बाहर आके देखो। क्या बात कर रहा है? अरे आओ तो सही। इसका मतलब तू GTR को लेके आ गया मेरे भाई? हाँ चोमू भाई, तुम मुझे कुछ काम दो और मैं उसे पूरा ना कर सकूं, ये तो हो ही नहीं सकता। चल ठीक है, तू बाहर ही रुक, मैं आता हूँ। अरे चोमू भाई, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता ज्यादा देर, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी कार को आराम से देखना। चल ठीक है चमन, तू जा, मैं ही देख लूंगा। भाई लोग मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने सबसे पहले निशान GTR कार को खरीद लिया है इस पूरी सिटी में। और भाई साहब अब मेरा ये कलेक्शन पूरा हो जाएगा, और जो ये मेरी कारें अधूरी अधूरी लगती हैं अब पूरी हो जाएगी भाई, और रोला बन जाएगा मेरा इस सिटी में रोला। और आखिरकार मैंने उस पिंकी से पहले निशान GTR कार को ले ही लिया। भाई लोग देख सकते हो, ये रही मेरी निशान GTR कार, और वो भी ऑरेंज कलर की, कितनी खतरनाक लग रही है यार। अब समझा वो पिंकी सबसे पहले क्यों लेना चाह रही थी इस कार को। एक बार इसका लुक तो देखो, चलो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं कि कैसी चल रही है अपनी ये कार। भाई इसका एक बार यार पूरा लुक देखो, कितनी खतरनाक लग रही है। ओए ये सामने कौन आ गया? अबे हट जा चचा, नई गाड़ी है, नई गाड़ी आते ही एक्सीडेंट करवा लिया अपना। लो भैया पैसा बर्बाद, नई गाड़ी के आते ही इन एक्सीडेंट हो गया, और ये पूरी चिंगारी चिंगारी छूट रही है। अबे हट जा भाई इस पैसे मेरे लाल, देख कहाँ गया। कुछ भी कहो, मगर मैंने उस पिंकी से पहले अपने लिए निशान GTR कार को ले ही लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम ऐसी वीडियो रोज देख सको।